नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। दोस्तों, तो आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, गले में कुछ खराश है, इस वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप लोग सुन पाएंगे, मुझे आशा है इस बात की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं एक खास मुद्दा लेकर के आया हूँ कि अभी मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। पहले तो ये बात हो रही थी कि 9 नवम्बर को सभी कोई पटना जा रहे हैं बिहार SSC कार्यालय में सचिव महोदय से बात करने, इस संबंध में जो है रिजल्ट कब आएगी, नहीं आएगी, या जो भी बात उनको करना हो इसके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। इसके बाद पुनः डेट चेंज हुआ, फिर बहुत सारे मैसेजेज आए ग्रुप में, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे, कि रिजल्ट ये लोग जो है सभी कोई जाएंगे रिजल्ट की मांग करने के लिए 11 तारीख को, यानी इसी महीने के 11 तारीख को, 11 नवम्बर को जाएंगे। तो ये सूचना देने के लिए सभी कोई चाह रहे थे किस प्रकार से ये बात सभी कोई जाने, हर विद्यार्थी जान पाए कि ये सभी कोई जाने वाले हैं। तो इसके लिए जो है एक सूचना होनी चाहिए कि सभी कोई जाने वाले हैं, तो ये सूचना आप लोगों को फैलानी चाहिए थी। फिर भी आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया तो मैं एक वीडियो बना डाला इस पर कि 11 नवम्बर को हर विद्यार्थी बिहार से बिहार SSC कार्यालय, बिहार कर्मचारी कार्यालय जो है जाने वाले हैं, और इस पर अपने मंतव्य को रखने वाले हैं, अपनी असुविधा को रखने वाले हैं, और इसके लिए जो है सभी कोई तत्पर हैं। और आप लोग भी यदि चाहें तो हर कोई जा सकते हैं। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज भी बनाए, साथ ही उन लोगों ने कार्यालय में जो फ़ोन पर बातचीत की, वहां पर कार्यालय से किसी अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, उन्होंने कहा इसके बारे में सचिव महोदय से मिलने के लिए। इस बात की कभी रिकॉर्डिंग उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया, तो मैंने वीडियो पर उस बात को डाला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सचिव महोदय से मिलने के बाद सबों का जो है इस विषय में एक निराकरण होगा और हर कोई इस विषय में संतुष्ट होकर के वहाँ से आएंगे। तो आप सभी जितने भी जाते हैं विद्यार्थी, वो कृपया करके एक काम जरूर करें कि वहाँ जाने के बाद कोई तरह का उपद्रव या कोई उद्दंड वाली बातें ना करें, और वहाँ जाकर सिर्फ अपने मुद्दे को रखें, क्या मैटर है, क्या बात है, उनकी समस्याओं को भी सुने, अपनी समस्याओं को बताएं। और स्वाभाविक सी बात है, आपकी समस्याएं विद्यार्थी कन जो है आपकी समस्याएं काफ़ी जटिल है, क्योंकि एक MP MLA का इलेक्शन होती है तो कितना फास्ट रिजल्ट आता है, इस बात को भी आपने लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने पढ़ा है, और ये स्वाभाविक सी बात होती है। इसमें सबको थोड़ा सा खेद होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम विद्यार्थियों के साथ इस तरह की बात होती है, ना तो कोई वैकेंसी आ रही है, ना कुछ हो रही है, बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी आती है, उसमें भी उसका रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा लंबा समय लगता है, तो आक्रोश स्वाभाविक रूप से उठ ही जाता है। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों के साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से ही अपनी मांग को रखें। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो है सब कोई इस बात को जाने जो आप लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए मैंने इस बात को बनाया, ये वीडियो को बनाया, चूँकि आप लोगों ने ऐसे पहले भी एक मुहिम जारी कर रखा है और सबको ये बात बता चुका है कि हम लोग 11 को जाना चाह रहे हैं, तो काफ़ी ये बात फैल चुकी है, हर कोई जान चुके हैं और हम भी जान रहे हैं। अब देखना यह है कि सत्यता इसमें कितनी है, अगर आप लोग जाते भी हैं या यूं ही बस असली मजाक करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप लोगों की सूचना जो है मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया। निवेदन है कि आप लोग की जो सत्यता है उसे आप बचाए रखें और इसके अनुसार ही आप लोग वहाँ कार्य करें, अपना निवेदन करें, अपनी बात को बताएं, और जो संभव प्रयास हो करेंगे। और जहाँ तक हो कि मैं एक टीचर होने के साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मेरे अंदर भी बहुत सारे आक्रोश है, बहुत सारे रोष, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इससे प्रताड़ित हूँ, मुझे ये परेशानी हो रही है, मेरा भी उम्र समाप्ति कगार पर आ चुका है, और इस वजह से क्या होती है कि मुझे भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, और मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं जो कि इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं। अगर ये रिजल्ट आ जाती है तो एक मार्ग खुलेगा, एक रास्ता खुलेगा, इसके बाद फिर लोग मेंस की तैयारी में जुटेंगे, फिर उसके इंटरव्यू भी इसमें जोड़ा गया है, इससे क्या होगा कि सभी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, बस ये मेरा यही आप लोगों से कहना था। साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी जाने वाले हैं अपना एक वीडियो क्लिप जो है मुझे बनाकर भेजें व्यक्तिगत रूप से कि मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने जगह से हूँ और मैं जाना चाह रहा हूँ, इससे क्या पुष्टिकरण हो कि हाँ आप लोग जा रहे हैं, वाकई जा रहे हैं, या फिर यूं ही माहौल को गर्म करने का विचार है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है तो गलत बात है, और अगर जाना चाहते हैं इसके लिए भी आपको खबर देनी चाहिए जो वैधानिक रूप से होती है, बिना खबर का कुछ काम होता नहीं है, इसलिए कोई भी काम अवैधानिक ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और BSSC की ताज़ा तरीन खबरों से आप हमेशा रूबरू होने के लिए
इसी चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को घंटा जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो इसमें अपलोड करता हूँ उसके लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।